तो चलिए दोस्तों, नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, मैं हूँ आपका दोस्त हूँ सुमित सैनी। आ गया दोस्तों आपके लिए बहुत ही प्राइम लोकेशन। प्राइम क्यों दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं एरो सिटी के सी ब्लॉक में। और आप सी ब्लॉक के दोस्तों थोड़े से देखिए व्यू, उसका देखिए आउटर का व्यू। बढ़िया बढ़िया दोस्तों रोड होने वाली है, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है। और 125 गज में बनी हुई दोस्तों दो साइड ओपन ये कोठी होने वाली है। और दोस्तों ये कमर्शियल प्लॉट होने वाला है, और कमर्शियल के साथ साथ ये फेसिंग पार्क भी होने वाला है। तो मैं आपको ये भी व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल आपको फेसिंग पार्क ये इन्वेंट्री मिलती है। और पार्क दोस्तों आपको फर्स्ट फ्लोर से मैं अच्छी तरह दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर कैमरा मैन आपको यहाँ पर भी दिखा सके। वीर का बूथ आपको फ्रंट में मिल जाता है। और ये देखिए बहुत बड़े दोस्तों ऑलमोस्ट दो कनाल का आपको ये पार्क मिल जाता है। और ऐसी लोकेलिटी दोस्तों एरो सिटी सी ब्लॉक की ये प्राइम लोकेशन होने वाली है। और मेरे पीछे देखिए बोथ साइड ओपन और कमर्शियल दोस्तों ये लोकेशन रहने वाली है। आइए चलते हैं इसके अंदर। और अंदर आप देखिए दोस्तों, उसमें आपको ड्यूल एंट्रेंस मिलती है, एक तो ये एंट्रेंस मिलती है और एक आपको इधर मिल जाती है। तो ये दोस्तों आपकी आ गई मेन एंट्रेंस, और मेन एंट्रेंस से हम अंदर आएंगे। और यहाँ के लिए दोस्तों आपकी आराम से, अगर मैं पार्किंग की बात करूँ, दो गाड़ियाँ आपकी यहीं पे पार्क हो जाएंगी। देखिए बहुत अच्छी आपको बर्फ मिल जाती है। फिर फेसिंग पार्क है तो दोस्तों वहाँ पर भी आपकी दो गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी, मतलब चार गाड़ियाँ आपकी आराम से पार्क हो सकती हैं। और अंदर आएंगे तो दोस्तों अंदर आके आपको एक बहुत दोस्तों वाइड स्पेस मिल जाती है आपकी टू व्हीलर पार्किंग के लिए। इसका जो साइज रहने वाला देखिए दोस्तों 22x7 का रहने वाला है। और ये देखिए यहाँ पे आपको टैप की ग्रिल मिलती है, आपको अपनी अगर गाड़ी वॉश करनी है, अपनी कोई बाइक वॉश करनी है, टू व्हीलर वॉश करना है, ये हमारे टू व्हीलर के लिए दोस्तों एंट्री मिल जाती है। क्योंकि ये कमर्शियल दोस्तों लोकेशन है, तो यहाँ पे देखिए पहले हमारा ऑफिस सेटअप था। आप भी दोस्तों ऐसे अपना ऑफिस सेटअप वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और ये आ जाती है हमारी बहुत ही प्यारी दोस्तों और बहुत वाइड एंट्री। और एंट्रेंस पे दोस्तों सबसे पहले हमारा आ जाता है पूरा दोस्तों ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। इसका जो साइज होने वाला है वो है 20x16 का। तो आप देखिए डाउन सीलिंग स्ट्रीट एसी क्रिजनिंग आपको मिल जाती है। और होटल का बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है। और अगर बात करें यहाँ पे आपको देखिए बहुत प्यारा दोस्तों, आप देखिए आपको ग्लास कलर मिलता है, एफ शेप में मिलता है, बहुत अच्छा एक लग्जरी फील आ रहा है। और ये हमारा बहुत अच्छे साइज का दोस्तों ड्राइंग डाइनिंग रहने वाला है। ग्राउंड फ्लोर में दोस्तों हमने, क्योंकि ये ऑफिस का ही दोस्तों आप पर्पस इसको यूज कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत ही कॉम्पैक्ट सी दोस्तों किचन बना दी हुई है, मॉड्यूलर किचन। अगर आप इसको चाहेंगे तो आप कहोगे तो हम उसको प्रॉपर मॉड्यूलर किचन बना देंगे, बट क्योंकि ये कमर्शियल लोकेशन में दोस्तों इसलिए हमने एक छोटा सेटअप बनाया ताकि आप उसको ऑफिस स्पेस के लिए ज्यादा यूज कर सके। ट्रिपल स्टोरी कोठी है, तो आपको ऊपर ड्यूर दोस्तों जो स्टोरी मिलती है वहाँ पे आपका पूरा रेजिडेंशियल होगा दोस्तों। देखिए आप देखिए यहाँ पे आपका किचन बना के दिए गए, लेकिन यहाँ पे आप पूरी दोस्तों किचन को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। डबल सिंक यहाँ पे आपको मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ आपको यहीं पे हमने वॉशरूम भी दे दिया है, और ये रहा हमारा वॉशरूम। इस वॉशरूम का जो साइज रहने वाला है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 5x4.6 का रहने वाला है। आपका सारी फिटिंग जो रहने वाली है वो सेरा ब्रांड की रहने वाली है। यहाँ देखिए आपको वेंटिलेशन के लिए दोस्तों आपको प्रोविजन दी गई है, आपको एग्जॉस्ट की प्रोविजन दी गई है। तो ये था हमारा पूरा दोस्तों ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। और इसी के साथ दोस्तों अगर आप इसको एज ए रेजिडेंस यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा पहला बेडरूम। और ये देखिए इसमें जो अगर मैं बेडरूम की बात करूँ, ये 10.6x9.6 का रहने वाला है। देखिए बहुत बड़ा ग्लास है, वहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है। डाउन सीलिंग बिल्कुल आपको एज इट इज मिलने वाली है। और यहाँ पे मैं बात करूँ आपको टीवी पैनल बिल्कुल आपको बना के दिया जा रहा है। अब इसको एज इट इज अगर आप इसको एज ए ऑफिस यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पूरे घर में आपको दी जा रही है। और इसी साथ हमारा आ जाता है सेकंड बेडरूम, और ये आ जाती है हमारी एंट्रेंस हमारे सेकंड बेडरूम की। इसका जो साइज रहने वाला है 11.6x10.6 का। और आप देखिए एज इट इज दोस्तों डाउन सीलिंग विद एलईडी लाइट्स आपको मिलती है। और जितनी देखिए वुडन यूज करी है दोस्तों, उसका कलर देखिए आपको बहुत प्यारी दोस्तों, ये इस पे पॉलिशिंग भी हुई है, बहुत प्यारा हैवी वुडन लगी हुई है और एक अच्छा स्टैंडर्ड का काम करा हुआ है। तो ये देखिए ये आपके बॉर्डर मिल जाते हैं, जो फाइव स्टार मिलने वाले हैं, नीचे आपको शू रैक मिल जाते हैं। और इसी के साथ आपको अटैच वो रूम का वॉशरूम मिल जाता है। इसका जो साइज मिलने वाला है वो है 8x6 का। तो देखिए आपको एज इट इज ये वॉशरूम मिलने वाला है। आपकी वॉल एंड सीट रूम वाइज तक आपकी दोस्तों टाइल्स लगी हुई है, सारा ब्रांडेड आपकी फिटिंग हुई है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अगेन आपको प्रिजनी मिलती है आपके वेंटिलेशन के लिए।
और ये था हमारा सेकंड बेडरूम जो आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है। और जैसे मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ये कमर्शियल फ्लोर रहने वाला है। और ये आपका आ जाता है रियर कोर्ट यार्ड, यहाँ पे आपको टैप की फ्रिज नहीं मिलती है, आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। यहाँ से आपको स्टेयर मिलती है फर्स्ट फ्लोर की, अगर आप कोई ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं ग्राउंड फ्लोर पर फर्स्ट फ्लोर की, तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे आपको ड्यूबल एंट्रेंस मिलती है क्योंकि वो साइड ओपनिंग एंट्री है। और अगर आपको कैमरा में दिखा सके पीछे बिल्कुल एरोसिटी वाली रोड जा रही है, जो एयरपोर्ट रोड जा रही है, तो एक बहुत अच्छी पोजीशन है दोस्तों, लोकेशन होने वाली। और इस रियर कोर्टयार्ड का दोस्तों जो साइज रहने वाला है वो है 15.6x8 का, तो बहुत अच्छे साइज का आपको ये रियर कोर्टयार्ड भी मिल जाता है। तो आइए फिर चलते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर पे। उसके लिए दोस्तों हमारी एंटर पर आए थे, फिर बिल्कुल हमारे दोस्तों बाहर आते हैं और वहीं से हमारी फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस आ जाती है। तो आइए आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर का व्यू। और अगर आप इसको दोस्तों रेंट आउट करना चाहें तो रेंट भी यहाँ पे बहुत है। एक फ्लोर का दोस्तों आपको एटलीस्ट 20 से 25 हज़ार रुपये रेंट मिलने वाला है। और ये देखिए स्टेयर्स आती है हमारे फर्स्ट फ्लोर को, बहुत अच्छा दोस्तों ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है। तो आइए चलते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर पे और आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर में हमें क्या क्या मिलता है। और स्टील रेलिंग के साथ आपको मिलने वाले हैं, तो एक बहुत अच्छा दोस्तों आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करके दिया गया है। और अगेन दोस्तों ये देखिए हमें फ्रंट में मिलती है बालकनी। सबसे पहले देखिए यहाँ से दोस्तों पूरे आप अपने पार्क कर, बहुत अच्छे आपके दोस्तों बिल्कुल पार्क फेसिंग ये एंट्री होने वाली है। और अगर मैं इस बालकनी की बात करूँ तो इसका जो साइज रहने वाला है वो है 22x5 की, एक अच्छे साइज के आपको एक फ्रंट में बालकनी मिल जाती है। और यहीं पर हमारी एंट्रेंस आ जाती है हमारे फर्स्ट फ्लोर की। और ये देखिए बहुत अच्छा मैच डोर लगा हुआ है, हैवी वुड है दोस्तों लगी हुई। और आइए चलते हैं अंदर और एंट्रेंस से देखोगे दोस्तों अगेन बहुत प्यारा आपका हैवी आपको जोर मिलता है। और यहाँ देखिए अगेन आपका ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया बहुत अच्छे साइज का आपको ये मिलने वाला है। इसका साइज रहने वाला है 20x15 का। डाउन साइडिंग अगेन आपको एज इट इज मिलने वाली है, एलईडी लाइट्स, स्प्लिट एसी कूलिंग मिलने वाली है, आपको बहुत प्यारा टीवी पैनल बना के दिया जा रहा है और बहुत अच्छे साइज का आपको ये ड्रॉइंग रहने वाला है। और इसी के साथ हमारी आ जाती है दोस्तों यहाँ पे मॉड्यूलर किचन, और इस किचन का जो साइज रहने वाला है वो है 8x7 का। तो ये देखिए यू शेप में आपको किचन मिलने वाली है, यहाँ पे आपको चिमनी की फ्रिजिंग मिल जाती है। ये देखिए आपकी सॉफ्ट क्लोजर के साथ मॉड्यूलर किचन आपकी बिल्कुल एज इट इज मिलने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों आपको कंपार्टमेंट मिले जा रहे हैं, हर तरफ दो तीन दोस्तों आपको ऐसे ही मिलने वाली है। तो यू शेप में ये किचन मिल जाती है, आप इजीली दोस्तों फर्स्ट और सेकंड फ्लोर रेंट आउट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे आ जाता है हमारा पहला बेडरूम, और ये आ गया हमारा पहला बेडरूम। इस बेडरूम का जो साइज मिलने वाला है वो है 11x11 का। अगेन डाउन साइडिंग आपको बिल्कुल एलईडी मिलने वाली है। फिर से देखिए दोस्तों बहुत बड़ा ग्लास मिलता है सनलाइट के लिए। और सामने देखिए यहाँ से आपकी एयरपोर्ट रोड, बिल्कुल दोस्तों एयरपोर्ट रोड के साथ ये कमर्शियल लोकेशन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आप इसको एक बार जरूर विजिट करें। लोकेशन एरो सिटी सी ब्लॉक दोस्तों। और इस बेडरूम के साथ हमें अटैच मिलता है हमारा ये वॉशरूम, और इस वॉशरूम का जो साइज रहने वाला है वो है 8x5 का। अगेन आपकी सारी ब्रांडेड फिटिंग रहने वाली, वॉल हैंग सीट, रूफ आई तक टाइल लगी है, यहाँ पे भी आपको डाउन सीलिंग मिलती है पूरा दोस्तों, एक बहुत अच्छे साइज का आपको ये वॉशरूम मिलता है। और इसी रूम के साथ भी आपको दोस्तों रियर में मिलती है बालकनी, मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैच डोर आपको हर जगह मिलने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपको एक अच्छे साइज की अगेन दोस्तों 22x3 की आपको ये बालकनी मिल जाती है। और ये देखिए पीछे भी इसके रोड है, यहाँ से आपकी एक एंट्रेंस आ जाती है, ड्यूल एंट्रेंस है, बोथ साइड ओपन है। और यहाँ पे आप चाहिए दोस्तों आप ये दीवार हटा के यहाँ पे अपना ऑफिस बना सकते हैं, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पर बनाइए और चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पर बनाइए। तो बहुत अच्छी बहुत प्राइम लोकेशन दोस्तों रहने वाली है। और ग्रीनरी देखिए कितनी है, ये है दोस्तों असली आर ओ सिटी का मजा, एक बार इसको ज़रूर देखें विजिट करें। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ हमारे दूसरे बेडरूम का व्यू। और नहीं से चलते हैं हमारे घर से ड्राइंग डाइनिंग एरिया में, और वहाँ से हमारा एक्सेस आ जाता है हमारे सेकंड बेडरूम का। और ये आ गया हमारा सेकंड बेडरूम। इसके अगर मैं साइज की बात करूँ, इसका जो साइज रहने वाला है वो है 11x10 का। और यहाँ पे अगेन वही आपको रियर बालकनी मिलती है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, बहुत बड़ा ग्लास विंडो वेंटिलेशन के लिए। इस रूम में भी आपको देखिए बॉर्डर मिल जाते हैं आपके, अगेन रूम हाइट तक मिलने वाली है। और एक अच्छा दोस्तों
यूटिलाइज करा गया स्पेस का, बहुत अच्छी स्पेस भी आपको मिल जाती है रूम की। और इसके साथ अगेन आपको मिल जाता है दोस्तों अटैच वॉशरूम। और इस अगर मैं वॉशरूम की बात करूं, इसका जो साइज रहने वाला है वो है 7x5 का। आपकी वैनिटी बहुत प्यारी लगी हुई है, वॉल एसीड रूफ फाइव स्टार टाइल्स है, डाउन सीलिंग मिलती है दोस्तों, सीलन पकड़ी का कोई इशू नहीं है। तो ये था पूरा हमारा दोस्तों फर्स्ट फ्लोर का व्यू। तो चलिए फिर चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर पे। जैसा दोस्तों आपने देखा कि फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल एज इट इज आपको सेकंड फ्लोर मिलने वाली है, तो आइए आपको दिखाता हूँ सेकंड फ्लोर। और दोस्तों ऐसी लोकेशन बहुत रेयर मिलती है, और वो भी दोस्तों पार्क फेसिंग, उसके साथ साथ दो साइड ओपन भी रहने वाली है। तो आइए चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। और ये आ गई हमारी सेकंड फ्लोर। अगेन दोस्तों ऑलमोस्ट वही मिलती है, ब्लैक ग्रेनाइट आपका मिल रहा है, स्टील रेलिंग के साथ आपको स्टेयर मिलती है। और ये आ जाती हमारी दोस्तों सेकंड फ्लोर। और अगर मैं इसकी भी बालकनी की बात करूँ दोस्तों, अगेन 22x5 आपको बालकनी का साइज मिलता है। और एक बार फिर देखिए आप, बहुत प्यारा व्यू आपके पार्क का, पार्क फेसिंग इन्वेंटरी की दोस्तों बात ही अलग है। तो ये अगेन हमारी बहुत प्यारी एंट्रेंस आ जाती है, देखिए बहुत प्यारा मैच डोर। तो चलिए आइए इसके अंदर, ये हैवी डोर मिलता है हमें एंट्रेंस का। नीचे जितनी भी आपकी टाइल लगी है, डबल चार्ज टाइल लगी हुई है। और इस ड्रॉइंग डाइनिंग की मैं अगर बात करूं तो इसका जो साइज रहने वाला है 20x15 का। यहाँ पे देखिए बहुत प्यारे आपको मॉडल के दोस्तों डिजाइन मिलते हैं, शोकेस बना के दिए गए हैं। बहुत बड़ी विंडो मिलती है आपको फ्रंट में वेंटिलेशन के लिए, और एक पार्क का व्यू भी बहुत अच्छा दोस्तों व्यू आता है। डाउन सीलिंग देखिए बहुत दोस्तों अच्छे सर्कल के डिजाइन दिए गए हैं एलईडी लाइट्स के साथ। आपका दोस्तों ये टीवी पैनल आ जाता है, ये आपको एक क्रॉकरी के लिए दोस्तों बना के दिया गया है। यहाँ के नीचे भी आपको स्टोरेज मिलती है, इसके नीचे भी आपको स्टोरेज मिलती है, तो बहुत ज्यादा स्टोरेज भी आपको क्रिएट करके दी जाती है। और अगेन यहाँ पे आपको किचन मिल जाती है 8x7 की, तो वही सुविधा है आपको। चिमनी की प्लेसिंग आपको दोस्तों पूरी मॉडुलर किचन यू शेप में मिलने वाली है, डबल सिंक मिलता है, नॉइज प्रूफ मिलने वाला है, सारी फिटिंग आपकी ब्रांडेड रहने वाली है। तो ये था हमारा किचन और ड्राइंग डाइनिंग, सेम चीज की और दोस्तों वैसी है। और ये आ गया हमारा सेकंड फ्लोर का पहला बेडरूम, इसका जो साइज रहने वाला है वह अगेन 11x11 का। डाउन सीलिंग देखिए एक अलग डिजाइन के साथ, यहाँ पे देखिए विंडो बहुत बड़ी, पूरा एरोसिटी का व्यू दिखाने के लिए आपको। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे अगेन आपको ये बालकनी मिल जाती है। और ये देखिए आप इस बालकनी से देखेंगे अगर व्यू, तो बहुत अच्छा आपको ये व्यू मिलने वाला है। और ये देखिए कमर्शियल प्लॉट है दोस्तों, बिल्कुल एरो सिटी रोड आपको विजिबल है, मार्बला ग्रैंड विजिबल है। और नीचे देखिए आप अपना गार्डन मेंटेन कर सकते हैं, और पीछे तो ऑलरेडी दोस्तों बहुत बड़ा गार्डन मिलता है। इस बालकनी का जो आपका साइज रहने वाला है 20x3 का, एक अच्छे साइज़ की आपको बहुत बड़े साइज़ की बालकनी मिलती है। और यहाँ पर आपको एक टैप की प्रोविजनिंग भी मिलती है, अगर आपको कैमरा मैन दिखा सके। और यहाँ पर आपको एक टैप की प्रोविजनिंग मिलती है, आप अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला बेडरूम, इसके साथ दोस्तों आपको अटैच मिल जाता है अगेन वॉशरूम। और ये आ गया हमारा वॉशरूम, इस वॉशरूम की अगर मैं साइज की बात करूँ तो अगेन दोस्तों 8x5 का आपको ये वॉशरूम मिलता है, सारी फिटिंग आपकी ब्रांडेड रहने वाली है, वॉल हैंग सीट। और देख रहे हैं आप पूरी आपकी वॉल टाइल दोस्तों रूफ हाइट से मिलती है, डाउन सीलिंग मिल जाती है। और एक दोस्तों ये सपनों का घर रहने वाला है, जरूर एक बार इसको चेक करें, क्योंकि जो हमारे भाई बहन कुछ कमर्शियल काम करना चाहते हैं और रहने के लिए भी घर देखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और इसी के साथ हमारा ये आ जाता है सेकंड बेडरूम, इस बेडरूम का जो साइज रहने वाला है वह 11x10 का, तो बहुत अच्छे साइज का आपको ये बेडरूम। अगेन दोस्तों बहुत बड़ी विंडो वेंटिलेशन के लिए आपको डाउन सीलिंग एलईडी लाइट्स के साथ, और अगर मैं बात करूँ दोस्तों वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए बहुत बड़ी विंडो आपको यहाँ मिलती है। और इसका भी अटैच आपको वॉशरूम मिलता है दोस्तों, इसके साथ ही मिलने वाला है। और इसका जो साइज रहने वाला है वो भी अगेन आपको 7x5 का मिलता है। फिर से दोस्तों आपकी वॉल हैंग सीट आपका दोस्तों वैरायटी बहुत अच्छी, टाइल्स आपकी रूफ हाइट तक मिलती है, डाउन सीलिंग मिल जाती है, सारी फिटिंग दोस्तों आपकी ब्रांडेड रहने वाली है। तो ये बहुत अच्छा दोस्तों 6 BHK आपको ये कोठी मिलने वाली है, प्लस पार्क फेसिंग मिलने वाली है, और उसके साथ साथ आपको दोस्तों कमर्शियल लोकेशन मिलती है, आप यहाँ पे अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, जो भी चाहे आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और बहुत अच्छी लोकेशन,
एब्सोल्युटली सी ब्लॉक के अंदर। तो एक बार आपको रूफ का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ और चलिए चलते हैं हमारी रूफ पे। और अगर दोस्तों रूफ ओपन हुई तो आपको वो भी दिखाएंगे। आइए चलते हैं हमारी रूफ के ऊपर। और ये आ गए हम लोग रूफ पे। रूफ से कम सा दोस्तों आपको और बेटर आइडिया हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको रूफ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आ गए हम अपनी रूफ पे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको बेटर आइडिया हो जाएगा हम कहाँ खड़े हैं। और यहाँ भी देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी रूफ, एरो सिटी पूरा आपको यहाँ से विजिबल है। सी ब्लॉक में हम खड़े हुए हैं। एरो सिटी एयरपोर्ट रोड हमारे पीछे से जा रही है। हमारे पास ग्रैंड दोस्तों अपार्टमेंट हमारे पीछे हैं। और पूरी दोस्तों कमर्शियल लोकेशन और पार्क फेसिंग इन्वेंट्री आपको सामने भी आपको दोस्तों ये अपार्टमेंट दिख जाएंगे। बहुत अच्छा, बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के पास सी ब्लॉक के अंदर पार्क फेसिंग इन्वेंट्री। आप भी इसको देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप हमें कभी भी कॉल करें। और दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लें, क्योंकि गिव अवे चल रहा है गोल्ड कॉइन का। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, तीन विनर्स को मिलने वाले हैं हमारे दोस्तों गोल्ड कॉइन। जितना आप शेयर करोगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं। कमेंट करते रहिए और जितना हो सकता है दोस्तों प्यार देते रहिए। मिलेंगे एक और वीडियो में, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।